बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अस्मा बायोलॉजी एकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हीमोडायनामिक्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है हीमोडायनामिक्स का इंट्रोडक्शन। स्टडी ऑफ ब्लड फ्लो इज कॉल्ड हीमोडायनामिक्स। मीन्स हमने हीमोडायनामिक्स में स्टडी करना है कि ब्लड किस तरह फ्लो करता है। इट मेनली रिलेट विद द ब्लड फ्लो एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्लड फ्लो इन बॉडी। इसमें हमने ब्लड फ्लो की स्टडी के साथ साथ वो सारे फैक्टर्स भी स्टडी करने हैं जो ब्लड फ्लो पे अफेक्ट करते हैं। डिफाइंड है द स्टडी ऑफ फोर्सेज इन्वॉल्व इन ब्लड सर्कुलेशन। और इसके अलावा जो है जितनी भी फोर्सेज हैं जो इस ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होती हैं, हमने उसको भी स्टडी करना है। अब है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड फ्लो। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्लड, देन है ब्लड प्रेशर, देन हार्ट प्रेशर, देन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, रेजिस्टेंस एंड रेट ऑफ ब्लड फ्लो। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने अंडरस्टैंड करनी है अगर हम हीमोडायनामिक्स का जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। सबसे पहले है क्रॉस सेक्शनल एरिया। द वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो इज रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पार्ट इन विच ब्लड इज फ्लोइंग। मीन्स कि जो वेलोसिटी है ब्लड फ्लो की वो डिपेंड करेगी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जिसमें ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट पासेस अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्लड वेसल पर यूनिट ऑफ टाइम मस्ट बी कॉन्स्टेंट। मीन्स कि जो ब्लड फ्लो करा है वो ब्लड वेसल्स में से उसकी जो वेलोसिटी है वो सारे पार्ट्स में कांस्टेंट रहनी चाहिए। सो द वेलोसिटी ऑफ ब्लड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्लड वेसल। और ये जो वेलोसिटी होती है ना ब्लड की, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मीन्स अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। मीन्स ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर्टरीज हैव स्मॉलेस्ट टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया बट कैपिलरीज हैव लार्जेस्ट एरिया। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती है ना, अगर इनकी टोटल लेंथ देखें तो ये कम होती है एज कम्पेयर टू कैपिलरीज की। कैपिलरीज की लेंथ ज्यादा होती है लेकिन वो जो है ना शॉर्टर होती है। आर्टरीज की लेंथ कम होती है लेकिन वो जो है वो ब्रॉडर होती है। तो अगर हम आर्टरीज की टोटल लेंथ देखें, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो वो कम होता है एज कम्पेयर टू कैपिलरीज। तो हमने पहले भी पढ़ा कि जो वेलोसिटी होती है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तो जब आर्टरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ टोटल, तो इसका मतलब है जो आर्टरीज की टोटल वेलोसिटी है वो ज्यादा है और कैपिलरीज का जो टोटल एरिया है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब है जो कैपिलरीज की टोटल वेलोसिटी है वो कम है। मींस ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैपिलरीज हैव मैक्सिमम टाइम फॉर चेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब हमने ये पढ़ लिया ना कि कैपिलरीज में जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, इसका मतलब है वेलोसिटी कम है। जब वेलोसिटी कम है तो उसे मैक्सिमम टाइम मिल जाता है ब्लड को कि वो अपने अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको नियर बाय इंटरस्टिशियल टिश्यूज के साथ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ एक्सचेंज कर सके। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है। इसमें सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया गया है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। यहाँ पे क्यू क्या है, ये फ्लो है, और जो ए है ये एरिया है। अब फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें दिखाया है कि अगर किसी चीज का एरिया 1 सेंटीमीटर है और फ्लो रेट जो है वो 10 मिलीलीटर पर सेकेंड है, तो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वेलोसिटी आएगी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन एक चीज है उसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वेयर है और उसमें जो फ्लो रेट है वो 10 मिलीलीटर पर सेकेंड है, तो इसकी जब वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वेलोसिटी आएगी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला से। पहले हम फ्लो को रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एरिया से। नेक्स्ट, अगर एक सब्सटेंस है उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर है और उसका फ्लो रेट जो है वो 10 मिलीलीटर है, तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीन्स कि जैसे जैसे जो है वो एरिया बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है। अब नेक्स्ट है लेमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब लेमिनर फ्लो क्या है, ऐसा फ्लो जिसमें कोई भी जो फ्लूइड है वो एक दूसरे से पैरेलल मूव करे। मीन्स कि उसके दरम्यान में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं आए, उसके दरम्यान में कोई भी डिस्ट्रक्शन ना आए। अब ये जो है डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है और वो पैरेलल फ्लो कर रहा है, कोई भी एक फ्लूड जो है वो दूसरे के साथ डिस्टरप्ट नहीं हो रहा, तो इस तरह के फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनर फ्लो। ये जो फ्लो होता है ना ये स्मॉल ब्लड वेसल्स में होता है और वॉल्स के करीब जो फ्लो रेट होता है वो जीरो होता है और दरमियान में जो फ्लो रेट है वो मैक्सिमम होता है। लेमिनर फ्लो साइलेंट होता है, मीन्स कि जब एक चीज पैरेलल फ्लो कर रही है तो उसमें कोई भी नॉइस जो पोल्यूशन है वो क्रिएट नहीं होती। अब नेक्स्ट है टर्बुलेंट टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या है, इसमें डिस्ट्रक्शन कॉज होती है, इसमें जो फ्लूइड होता है वो एक दूसरे के साथ जो है डिस्टर्ब करता है और वो पैरेलली मूव नहीं करता। जब ये एक दूसरे के साथ डिस्टर्ब करेगा तो इसमें नॉइस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा और इस साउंड को हम स्टेथोस्कोप के साथ डिटेक्ट करते हैं। और इसमें काइनेमैटिक विस्कोसिटी होती है। काइनेमैटिक विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमैटिक विस्कोसिटी जो है वो फ्लूइड की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा फ्लूइड के अंदर रेजिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा जो है ना उसमें टर्बुलेंस कम होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा विस्कोसिटी कम होगी उतनी ज्यादा टर्बुलेंस होगी। मीन्स जो विस्कोसिटी होती है, जो रेजिस्टेंस होती है, वो टर्बुलेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें एक नंबर बताया गया है, रेनॉल्ड नंबर। एन इंडिकेटर का अंदर रेनॉल्ड नंबर कैन रिवील वेदर फ्लो इज लेमिनर और टर्बुलेंट। अब इस नंबर से हमें पता लगता है कि जो फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल में वो लेमिनर है या टर्बुलेंट है।
For flow in a tube of uniform diameter, the Reynolds number is defined as Re, P multiplied by L multiplied by V over micro. अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है ये किसको इंडिकेट कर रही है. Where P is the fluid density, V its speed, micro its viscosity and L is equal to diameter of vessels. The Reynolds number is a unitless quantity, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता. और एक्सपेरिमेंट से पता चला कि अगर जो हमारे पास एनआर भी रेनल नंबर के लिए जो है ना वो एप्लीकेशन यूज हो रही है, अगर तो रेनल नंबर जो हमने कैलकुलेट किया है वो 2000 से कम आता है तो इसका मतलब है जो फ्लो हो रहा है वो लैमिनर है. और अगर रेनल नंबर जो है वो 3000 से अबव आ रहा है तो फिर इसका मतलब है जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है. फॉर वैल्यूज ऑफ एन आर बिटवीन अबाउट 2000 एंड 3000 फ्लो इज अनस्टेबल. अगर तो हमने कहा 2000 से कम है तो वो लैमिनर है, अगर 3000 से ज्यादा है तो वो टर्बुलेंट है. लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान में है तो इसका मतलब है कि जो फ्लो है वो अनस्टेबल है, कभी वो लैमिनर फ्लो हो जाता है और कभी वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है. ठीक है, उसमें ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती है और वो या तो इनके दरमियान जो ऑसिलेशन है वो इन बिटवीन होंगी लैमिनर और टर्बुलेंट, मीन्स के ना तो वो बिल्कुल पैरेलल होंगी और ना ही बिल्कुल जो है वो डिस्ट्रप्टिंग होंगी, वो इंटरमीडिएट जो फिनोटाइप है उसको शो करेंगी. नेक्स्ट फैक्टर है विस्कोसिटी. विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्लाइडिंग बिटवीन सेकंड लेयर्स ऑफ फ्लूइड. अब दो लेयर्स हैं, ठीक है, वो मूव कर रही हैं या फिर ब्लड वेसल के साथ उसके अंदर कोई फ्लूइड मूव कर रहा है. अब वो जो रेजिस्टेंस होगी ना वो डिपेंड करेगी विस्कोसिटी पे. अब वो जो रेजिस्टेंस होगी ना वो डिसाइड करेगी विस्कोसिटी इसकी कितनी है. ठीक है, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो. अब जितनी ज्यादा वेलोसिटी होती है उतनी कम विस्कोसिटी होती है और जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होती है उतनी कम वेलोसिटी होती है. मींस के विस्कोसिटी और जो वेलोसिटी है ये दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. प्रेशर अप्लाइज फोर्स टू एडजेसेंट लेयर टू स्लाइड पास्ट ईच अदर. अब जब लेयर्स मूव कर रही होती हैं एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई कर रही होती हैं और जो ब्लड है इसकी डिफाइन किया ब्लड जो है सस्पेंशन ऑफ सेल्स है. अब जो विस्कोसिटी है ना ब्लड की वो डिपेंड करेगी उसकी उसके अंदर जो प्लाज्मा है उसकी विस्कोसिटी पे, उसके अलावा इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं और जितने ज्यादा हिमेटोक्राइट यानी कि हिमेटोसाइट उसके अंदर जितने ज्यादा प्रेजेंट है. ठीक है, अब ब्लड सेल्स हमें पता है कि उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, और जितने ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं किसी चीज में उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होती है. फिब्रिनोजेन जो एसोमेट्रिकल होते हैं और उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है. ठीक है, वो मैक्सिमम विस्कोसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं. जितने ज्यादा ब्लड में फिब्रिनोजेन होंगे मीन्स कि उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी और जितना ज्यादा ब्लड थिकर होगा जितना ज्यादा विस्कस होगा उतनी फिर कम उसकी वेलोसिटी होगी. अब नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर. द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल. अब जब ब्लड पास करता है ब्लड वेसल्स में से तो वो जो प्रेशर अप्लाई करता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर. अब जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ब्लड प्रेशर का वो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी MMHg है. ठीक है, इससे हम जो है वो प्रेशर को मेजर करते हैं. एक और डेफिनेशन भी यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बताई गई है. ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज. आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब जो आर्टरीज में ब्लड का जो प्रेशर है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं और ब्लड आर्टरीज जो है वो हमें पता है कि हार्ट से जो ब्लड है उसको दूसरे पार्ट्स तक लेकर जाती है. अब जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मली हमारे थ्रू आउट द डे फॉल भी करता रहता है, राइज भी करता रहता है, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है. अब जो ब्लड प्रेशर है इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरे को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ना ये वो ब्लड प्रेशर होता है जो हमारी आर्टरीज में होता है जब हमारा हार्ट बीट करता है. ठीक है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये वो प्रेशर होता है जो हमारी आर्टरीज में होता है जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है. ठीक है, अब ये डिफरेंस आ सकता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का. तो जब हार्ट बीट करेगा तब जो प्रेशर होगा वो सिस्टोलिक होगा और जब हार्ट रिलैक्स करेगा तब जो प्रेशर होगा वो डायस्टोलिक होगा. जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है बेसिकली 120 होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये 80 होता है. ठीक है, 120/80 MMHg जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है. और मोस्टली जो है ये कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर अगर 120 या 80 से कम हो तो वो नॉर्मल कंसीडर है. अगर 120 और 80 भी हो ना तो उसको भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में हम कंसीडर करते हैं. एज या फिर हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, वो भी इसको डिसाइड कर रही होती है कि हमारा कितना ब्लड प्रेशर होगा. लेकिन फिर भी जो हमारी डेली रूटीन है उसमें हमें वर्कआउट करना चाहिए ताकि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रह सके. जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये जो है ना मैक्सिमम होता है. ठीक है, और जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये मैक्सिमम कितना होता है, मतलब कि ये बेस्ट मैक्सिमम मीन्स कि जो अपना प्रॉपर जब मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो एग्जैक्ट मैक्सिमम एंड गुड प्रेशर होगा सिस्टोलिक प्रेशर वो कितना होगा, 120 mmHg या 16 kPa. डायस्टोलिक प्रेशर इज द लोवेस्ट प्रेशर रीच ड्यूरिंग कार्डियक रिलैक्सेशन. अब जब हार्ट रिलैक्स करेगा तब जो प्रेशर होगा मिनिमम प्रेशर और जो बेस्ट प्रेशर होगा एक नॉर्मल पर्सन का वो कितना होगा, 75 mmHg 10 kPa. अब यहाँ पे मैं बेस्ट की टर्मिनोलॉजी जो यूज कर रही हूँ उसका मतलब ये है
एक नॉर्मल पर्सन का जो जब हाथ रिलैक्स करेगा तब उसका जो प्रेशर होगा वो 120 mmHg होगा, जब रिलैक्स करेगा तब उसका 75 mmHg होगा। अब अगर किसी का 75 से कम जा रहा है या 120 से अबव जा रहा है तो वो नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एबनॉर्मल कंडीशंस हैं, उसको फिर हम बेस्ट कंडीशंस कंसीडर नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पे एक चार्ट है उसमें बताया कि जो नॉर्मल पर्सन है उसका सिस्टोलिक प्रेशर 120 से कम होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से कम होता है। अगर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो 120 टू 129 सिस्टोलिक एंड 80 से कम हो जाता है डायस्टोलिक। ठीक है, अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी का है तो उसका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 130 टू 139 और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 टू 89। अगर किसी का हाइपरटेंशन की अगर किसी की हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो स्टेज टू पे 140 से अबव होता है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर 90 या उससे ज्यादा होता है। अगर किसी का बहुत ज्यादा कोई स्टेज थ्री पे है, अगर कोई पर्सन स्टेज थ्री पे है मीन्स उसको बहुत ज्यादा जो है वो हाइपरटेंशन है या उसकी बहुत सीवियर कंडीशन है तो उसका फिर जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 180 से अबव हो जाता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 120 से अबव हो जाता है, और ये बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, वो प्रेशर जो फ्लूइड कॉलम में होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं। द फोर्स ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मीन्स दैट एज अ ब्लड मूव अलोंग द कैपिलरी फ्लूइड मूव आउट थ्रू इट्स पोर्स एंड इनटू द इंटरस्टीशियल स्पेस। अब पता क्या है, जब फ्लूइड या ब्लड पास आउट होता है आर्टरीज में से, ठीक है, तो वो जस्ट ब्लड नहीं होता, उसके अंदर और भी फ्लूइड्स होते हैं, उसके अंदर मिनरल होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं, ठीक है। अब वो जितना भी उसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड पोर्शन है आर्टरीज के अंदर, जस्ट ब्लड नहीं, उसमें डिफरेंट वाटर के कंटेंट्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो, तो जितना भी लिक्विड का कंटेंट है ना वो आर्टरीज पे प्रेशर एग्जर्ट करता है, जिसकी वजह से जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू सब्सटेंसेस एक्सचेंज होती हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ या फिर जो नियर बाय टिश्यूज होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये जो प्रेशर होता है जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होती हैं बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड द इंटरस्टिशियल स्पेस, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब यहाँ पे ना एक डायग्राम दिखाई दिया, इसमें बताया गया ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, कैपिलरी में। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कौन सा है, वो प्रेशर जो के अंदर जो आर्टरीज के फ्लूइड है ना वो एक्सर्ट कर रहा है उसकी ब्लड वेसल्स पे, जिसकी वजह से जो है वो एक्सचेंज हो रही है बिटवीन ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल स्पेस। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स के वो प्रेशर जो बाहर से मीन्स के जो नियर बाय टिश्यूज हैं वो एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से क्या होता है, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इनसाइड प्रेशर है ना, मतलब अंदर से फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना, इसकी वजह से जो चीजें ब्लड वेसल के अंदर है वो बाहर की तरफ जाएंगी। और ऑस्मोटिक प्रेशर कौन सा है, जो बाहर से जो उसके इंटरस्टिशियल स्पेसिस हैं वो एक्सर्ट कर रहे हैं, मीन्स कि ये प्रेशर बाहर की तरफ से है ना, तो इसकी वजह से वो चीजें जो बाहर से अंदर जानी है ब्लड में वो मूव आउट करेंगी। अब यहाँ पे डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर का। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वो प्रेशर जिसकी वजह से ब्लड वेसल के अंदर से जो सब्सटेंसेस हैं वो बाहर की तरफ जाएंगी, और ऑस्मोटिक प्रेशर वो जिससे बाहर की तरफ कोई सब्सटेंसेस हैं, कोई साल्ट हैं, वो ब्लड वेसल के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है टोटल ब्लड प्रेशर। टोटल ब्लड प्रेशर जो है वो उन तमाम प्रेशर्स का जो है अगर हम कॉम्बिनेशन करें जो कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उसमें आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, वो सारा जो प्रेशर है उसको अगर हम कंबाइन करें तो वो टोटल ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। टोटल ब्लड प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ ब्लड फ्लो। जितना ज्यादा रेट होगा ब्लड का उतना ज्यादा जो है जितना ज्यादा रेट होगा ब्लड फ्लो का उतना ज्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है ब्लड फ्लो ज्यादा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब है ब्लड फ्लो कम है। अब यहाँ पे एक जो है ना इक्वेशन बताई गई है, इसमें उन्होंने बताया है कि इससे जो है ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल जो है वो ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे जो पाई है ये तो आपको पता है, इसकी वैल्यू 3.14 होती है। पी जो है यहाँ पे प्रेशर को शो कर रहा है, आर रेडियस को, एन जो है फ्लूइड विस्कोसिटी को, और एल जो है ये लेंथ को शो कर रहा है। अब टोटल एनर्जी जो ब्लड में प्रोड्यूस होती है, मूव एनर्जी वो एनर्जी है जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, बीट करता है, तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। सेकेंड एनर्जी वो एनर्जी होती है जब हमारा हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब नेक्स्ट जो है ब्लड वेसल में ब्लड ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है, उस मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो काइनेटिक एनर्जी हुई। तो काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई ये कौन सी एनर्जी थी, सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्ड एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अगर हम बैठे भी हुए हैं तो हम पे जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है वो इफेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट कौन सी, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब ब्लड मूव किया तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो कौन सी एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी थी। और जो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हुई वो थर्ड एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी थी। तो इन सब एनर्जीज का जब अगर हम कम्बिनेशन करें तो जो एनर्जी आएगी वो टोटल फ्लूइड एनर्जी होगी। नेक्स्ट है जी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है कि जब ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल जो है वो इसके फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, उसको हम कैलकुलेट करके कहते हैं कि ये जो है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में, ब्लड फ्लो की रेगुलेशन में। रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्लड विस्कोसिटी के, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ज्यादा जो है वो रेजिस्टेंस होगी। तो विस्कोसिटी हमने पहले पढ़ा था कि विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी उतना कम ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। तो
जब विस्कोसिटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब यही है ना कि फिर अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ब्लड फ्लो कम होगा, तो फिर रेजिस्टेंस भी अगर ज्यादा होगी तो ब्लड फ्लो कम होगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस और विस्कोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। तो इस वजह से अगर विस्कोसिटी ज्यादा होने से एक चीज कम हो रही है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से भी वो चीज कम होगी ना, तो इसीलिए विस्कोसिटी ज्यादा है तो ब्लड फ्लो कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा तो ब्लड फ्लो कम है। और इसके अलावा जो है ब्लड वेसल की लेंथ पे भी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी कम विस्कोसिटी होगी, उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, और जितनी कम लेंथ होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। इसके अलावा जो रेडियस ऑफ वेसल होती है उस पे जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस। मीन्स रेजिस्टेंस किसको, रेडियस जो होता है उसका टोटल एरिया को अगर हम टू पे डिवाइड करें तो रेडियस आता है ना, तो रेडियस जितना ज्यादा होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, और अगर रेडियस जितना कम होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, और रेडियस जितना ज्यादा होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं आर इक्वल टू एच एल आर फोर। इन ब्लड वेसल मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ड्यू टू वेसल डायमीटर, एज डायमीटर डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड ब्लड फ्लो डिक्रीजेस, ब्लड फ्लो डिक्रीजेस। अब जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, उतनी कम ऑपोजिशन होगी, और जितना कम डायमीटर होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। अब एक इक्वेशन है जिसे बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर फोर डेल्टा पी एन ओवर एल। यहाँ पे इस रिलेशनशिप को जो फर्स्ट है 19th century में एक साइंटिस्ट था फ्रेंच फिजिशियन पॉइली, उसने जो है इस पॉइजली उसने इसको डिस्क्राइब किया था और बताया था कि किस तरह जो फ्लो रेट है वो प्रेशर रेडियस और लेंथ और विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। डेल्टा पी किसको शो करा है, प्रेशर के डिफरेंस को, ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे, मतलब अगर एक ट्यूब है ट्यूब के स्टार्ट पे क्या प्रेशर था और एंड पे क्या प्रेशर था, ये उसका डिफरेंस आ गया ना, अगर इन दोनों को माइनस करें तो डिफरेंस आ गया प्रेशर में। तो जितना ज्यादा जो है वो डिफरेंस होगा प्रेशर में उतना ज्यादा रेट ऑफ फ्लो होगा, ठीक है, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना कम रेट ऑफ फ्लो होगा। समझ आ गई, यहाँ पे आपने दो बातें याद रखनी है कि जितना ज्यादा जो है वो प्रेशर होगा उतना ज्यादा रेट होगा, उतनी तेजी से वो मूव करेगा, ठीक है, और जितना ज्यादा फिर उसका रेट होगा उतनी उसकी कम विस्कोसिटी होगी, मतलब कि जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, जितना ज्यादा डिफरेंस उतना ज्यादा रेट, ठीक है, फिर जो रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के, जितना ज्यादा रेट होगा उतनी कम विस्कोसिटी होगी, या जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतना कम रेट होगा। अब एंड पे जो है वो रिलेशनशिप बताया गया है, तो इसमें उन्होंने बताया है ब्लड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्लड प्रेशर ग्रेडियंट। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में उतना ज्यादा जो है वो ब्लड फ्लो होगा, मीन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर मैंने आपको बताया कि जो ब्लड फ्लो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, विस्कोसिटी के या रेजिस्टेंस के, मीन्स कि जितना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, या जितना कम ब्लड फ्लो होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पे एक उन्होंने जो है ना वो बताया है फ्लो, अब यहाँ पे उन्होंने एक फ्लो का फॉर्मूला भी दिखाया है कि फ्लो इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर आर, मीन्स कि जो डिफरेंस होगा प्रेशर में उसको हम डिवाइड कर देंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास आ जाएगा ब्लड फ्लो का रेट। आर मोर इम्पोर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग लोकल ब्लड फ्लो बिकॉज इजिली चेंज बाय अल्टरिंग ब्लड वेसल डायमीटर। अब जो फ्लो रेट है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, अब जो रेजिस्टेंस है ना वो इजिली चेंज की जा सकती है। कैसे, हमने बताया कि जो ब्लड वेसल कम होती हैं, छोटी होती हैं, उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, अगर हम ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है, ठीक है, वो बढ़ा दें तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डायमीटर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा, अगर डायमीटर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। यहाँ से ये डिफरेंस हमें पता चल गया ओवरऑल के जो ब्लड फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, ब्लड प्रेशर के ग्रेडियंट के, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा या प्रेशर का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। उसके बाद फिर जो रेजिस्टेंस है या विस्कोसिटी है, ब्लड फ्लो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी ब्लड फ्लो उतना कम होगा, जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी ब्लड फ्लो उतना कम होगा। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने हीमोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा, कुछ फैक्टर्स पढ़े, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।